योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्नाम् अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम्। श्रीश्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिम् श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामः। कर्कटे पूर्वफाल्गुन्यां तुलसीकाननोद्भवां पाण्ड्ये विश्वंभरां गोदां वंदे श्रीरंगनायिकीं। नीलातुंगस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरस्सिद्धमध्यापयन्ती। स्वच्छिष्टायां सजि निगलितं याबलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः। यहां पर तिरुप्पावई के 13वें पासुर में 13वें छंद में गोदाम्बाजी अपनी सखियों के साथ गोपियों के साथ जो निकली हैं सबको जगाती हुई, तो यहां इस बार पहुंची हैं यहां पर गोदाम्बाजी एक गोपी के यहां पर, जो गोपी अब तक उठकर उनकी मंडली में सम्मिलित नहीं हुई है। या इस गोपी के घर के बाहर पुकार रही हैं गोदाम्बाजी, जगा रही हैं उस गोपी को, और क्या संबोधन देती है और कैसी भगवान की लीलाओं का वर्णन करती है गोदाम्बाजी और उनकी सखियां, या उस गोपी को जगाने के लिए कहती हैं वे सब। गोदाम्बाजी कहती हैं उस गोपी से कि देखो तुम्हारे नेत्र बड़े सुंदर हैं, जैसे पुष्प में रहने वाला भ्रमर होता है, भ्रमर जैसे उस पुष्प पर मंडराता रहता है, कभी बैठा रहता है, वैसे सुंदर तुम्हारे नेत्र हैं। और कोई मूर्ति हो जैसे बड़ी सुंदर बनाई गई हो, ऐसी ही सुंदरता तुम्हारी है। और देखो हम भगवान की लीलाओं का गान कर रही हैं। किन भगवान का? कि भगवान श्री कृष्ण का और भगवान श्री राम की लीलाओं का, कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने बकासुर का मुंह चीर दिया था, बकासुर का वध किया था, और कैसे दुष्ट राक्षस उस रावण को भगवान ने केवल चिमटी भर करके, चिकोटी काट करके उसे मार दिया था राम जी ने। तो देखो हम भगवान की लीलाओं का गान कर रही हैं और व्रत करने की जगह पर पहुंच रही हैं सब। देखो जो अलग अलग ग्रह हैं आकाश में, देखो शुक्र ग्रह का उदय हो गया है और गुरु जो ग्रह है वह अस्त हो गया है। पक्षी भी आवाज कर रहे हैं अपने उठने की, कलरव कर रहे हैं सारे पक्षी। तो देखो शीतल जल में डुबकी लगाकर स्नान किए बिना तुम क्यों सो गई, तुम सोई क्यों हो? देखो कितना अच्छा समय है, चलो हम सब मिलकर के एक साथ उस शीतल जल में स्नान करें। तुम चोरी क्यों कर रही हो,
चोरी करना, यह आक्षेप किया कि किसी वस्तु का केवल कोई व्यक्ति केवल अपने लिए उपयोग करे तो वह चोरी कही गई। तो यहां कहा गया गोदामबाजी के द्वारा कि देखो तुम केवल अकेली अकेली भगवान श्री कृष्ण का अनुभव कर रही हो तो यह तो चोरी करने जैसी बात हो गई। हमारे साथ सम्मिलित हो जाओ, हम सब मिलकर के भगवान का अनुभव करें, हम सब मिलकर के भगवान के इस व्रत का पालन करें, तो जाग जाओ, उठ जाओ और हमारे साथ मिलकर के भगवान का अनुभव करो। विष्णु घोर बकास्य दारक ममुम रक्षशिरश्छेदिनम गायन्त्यः प्रतिपेदिरे व्रतभुवम् सर्वाश्च गोपांगनाः। शुक्रः प्रादुरभूत् बृहस्पतिरगा दस्तं द्विजाश्चोत्थिताः बाले त्रिदिशकाल एव शयिता स्नानं यकृत्वा शुभे। यहां पर इस गोपी को अत्यंत सुंदर नेत्रों वाली क्यों कहा गया? क्योंकि एक बात तो निश्चित है कि यहां पर ये जो भी हैं मंडली, इनकी ये भक्तों की मंडली है, ये चमड़ी को देखने वाली मंडली नहीं है, ये बाहरी त्वचा को, बाहरी सुंदरता को या बाहरी कुरूपता को नहीं देखती। ये मंडली भक्तों की मंडली है, ये सुंदरता का इनका क्या प्रमाण है, क्या कसौटी है? यहां केवल और केवल भगवान की भक्ति ही कसौटी होती है किसी की सुंदरता के बारे में। आप लोगों ने सुना ही होगा कभी न कभी प्रसंग धुंधर दास जी के जीवन का। रामानंद स्वामी जी एक बार एक मेले में से गुजर रहे थे, मेला हो रहा था, भगवान का उत्सव हो रहा था, तो उस समय उन्होंने क्या देखा, रामानंद स्वामी जी ने वहां देखा कि एक आदमी, बड़ा हृष्ट पुष्ट पहलवान जैसा आदमी वहां पर चल रहा था छतरी लेकर के। लेकिन कैसे चल रहा था? छतरी लेकर के तो लोग चलते हैं, लेकिन वह कैसे चल रहा था? वह चल रहा था अपनी पत्नी के सिर के ऊपर छाता तान करके, पत्नी के सिर पर छाता तान करके। ठीक है, यहां तक भी कोई बहुत ज्यादा विचित्र बात नहीं हुई, लेकिन विचित्र बात क्या देखी रामानंद स्वामी जी ने? रामानंद स्वामी जी ने देखा कि वह आदमी चल रहा है कैसे, कि खुद चल रहा है आगे आगे, अपनी उस पत्नी के आगे आगे चल रहा है, और चल भी कैसे रहा है कि उल्टा चल रहा है, अपना चेहरा रख रखा है उसने अपनी पत्नी के चेहरे की तरफ, और ऐसे उल्टा उल्टा चल रहा है छाता लेकर के। रामानंद स्वामी जी ने यह जब दृश्य देखा उन्हें बड़ा विचित्र लगा, उन्होंने अपने किसी शिष्य को बोल करके उसको अपने पास बुलाया, तो वह आया। आया तो पूछा रामानंद स्वामी जी ने कि ये क्या बात है, यदि छाता पकड़ना है, छाया करनी है अपने पत्नी के लिए, तो तुम तो किनारे भी चल सकते हो छाता लेकर के, पीछे भी चल सकते हो, लेकिन तुम ये उल्टे उल्टे चल रहे हो, ये क्या बात है? तो वह धनुर्धर दास जो था उसने कह दिया कि उस धनुर्धर दास को अपनी पत्नी बड़ी प्रिय थी, और उसने कह दिया कि उसकी सुंदरता को वह जो देखता है उसको बस उसी में सुंदरता दिखाई देती है। तो वह धनुर्धर दास ने कहा कि बस मैं तो उसके चेहरे से अपनी दृष्टि को हटा ही नहीं सकता और हटाना चाहता ही नहीं, इसलिए मैं उल्टा उल्टा चलता हूं उसकी तरफ अपना मुंह किए हुए और छाता उसके सिर पर देख करके। तो ये जो बात सुनी रामानंद स्वामी जी ने, रामानंद स्वामी जी मुस्कुरा करके कहने लगे कि देखो भाई, सुंदरता देख करके यदि तुम अपनी पत्नी के मुख से अपनी दृष्टि हटाना नहीं चाहते तो चलो तुम्हें मैं इससे भी कोई सुंदर दिखा दूं, तो कि
ठीक है, यदि आप इससे भी सुंदर मुझे कोई दिखा दें तो मैं उसे ही देखने लग जाऊंगा, पर इससे सुंदर कोई हो नहीं सकता। तो रामानंद स्वामी जी ने कहा धनुधर दास को कि चलो मेरे साथ। उसे ले चले और कहाँ ले गए, भगवान के मंदिर में ले गए। और भगवान के मंदिर में ले जाकर के एक तरफ तो धनुधर दास को कहा कि देखो भगवान के मुखमंडल की ओर, और दूसरी तरफ भगवान से प्रार्थना की कि देखो भगवान, यह व्यक्ति सांसारिक केवल इस मांस हड्डी के शरीर में ही सुंदरता देख रहा है, इसको जरा आप अपनी सुंदरता का जरा आभास कराइए। बस उधर धनुधर दास ने जो दृष्टि डाली भगवान के मुखमंडल पर, उसे तो भगवान की उस सुंदरता का आभास मिल गया, दर्शन मिल गया। भगवान की सुंदरता कैसी, कोटि काम लजावन हारे, करोड़ों करोड़ों कामदेव भी लज्जित हो जाते हैं भगवान के सौंदर्य को देख करके। धनुधर दास तो टकटकी लगाए भगवान का ही दर्शन करने में तन्मय हो गया। बाद में तो वह ऐसा भक्त बना, ऐसा निष्ठावान शिष्य बना रामानंद स्वामी जी का कि हमेशा सेवा में तत्पर, पति पत्नी दोनों रामानंद स्वामी जी के शिष्य बने। तो देखिए बात क्या है, जैसे धनुधर दास जी की बात थी कि उन्हें सुंदरता चाहिए थी और उनकी सुंदरता की खोज कहां ले गई उन्हें, रामानंद स्वामी जी जैसे गुरु की कृपा हुई तो उनको भगवान की सुंदरता का दर्शन हो गया। नहीं तो लोग मंदिर में जाते हैं लेकिन उन्हें भगवान की सुंदरता का आभास भी नहीं हो पाता, वे बस उसे मूर्ति मान करके बस देखते हैं और चले आते हैं। देखते भी क्या होंगे सो भगवान जानते हैं। यहां पर जो सुंदरता की बात है, यहां उस गोपी को जो सुंदर नेत्रों वाली कहा गया, क्यों कहा गया, क्योंकि उसके नेत्र केवल भगवान को देखते हैं। दो तरह की बात है वहां, या तो समझ लो कि उसके नेत्र केवल भगवान का ही दर्शन करते हैं, और या फिर क्या स्थिति है उसके नेत्रों की कि उसके नेत्र जहां भी देखते हैं उसे वहां पर हर जगह पर भगवान का ही दर्शन होता है। यही सुंदरता है, यही सार्थकता है नेत्रों की। वही नेत्र सुंदर है वास्तव में जो नेत्र भगवान का दर्शन करे, वही नेत्र धन्य है, वही नेत्र सुंदर है। उन्हीं नेत्रों का दर्शन करने का सामर्थ्य सार्थक है जो सर्वत्र भगवान का दर्शन करे, केवल भगवान का दर्शन करना चाहे। अमरु शतक में कुछ श्रृंगार की दृष्टि से एक वर्णन किया गया वियोग का, और उसमें क्या स्थिति थी कि अमरु शतक में एक बड़ा सुंदर वर्णन है कि जब कोई अपने प्रियतम का दर्शन करना चाहता है, उससे दूर है, तो उसकी दृष्टि कहीं भी जा रही है तो कैसी जा रही है कि वह जहां भी देख रहा है उसे सर्वत्र अपना प्रियतम ही दिखाई देता है। प्रासादे सा दिशि दिशि च सा पृष्ठतः सा पुरः सा पर्यंके सा पथि पथि च सा तद्वियोगातुरस्य हंहोचेतः प्रकृतिरपरा नास्ति मे कापि सा जगति सकले कोयमद्वैतवार है। कि सामने कोई महल दिख रहा है तो उस महल में भी दृष्टि पड़े तो वही दिखे, चाहे पूर्व में देखे, चाहे पश्चिम में देखे, चाहे उत्तर में देखे, चाहे दक्षिण में देखे, जिस दिशा में देखे वहां पर उसे वही दिखता है। और चाहे आगे देखे, चाहे पीछे देखे, चाहे दाएं देखे, चाहे बाएं देखे, उसे तो बस वही दिखाई देता है। तो ऐसी दृष्टि होती है भगवान के भक्तों की भी। संसार की स्थिति है, वो संसार में तो कई बार जो प्रेम शब्द है
बड़े घटिया अर्थों में प्रयोग लेकर के उस शब्द को भी बदनाम कर दिया गया। प्रेम का मतलब होता है जहां अपने सुख की भावना नहीं हो, जहां अगले के सुख की भावना हो, और ये भावना होती है केवल भक्तों की। वो अपने सुख की कामना से भगवान की भक्ति नहीं करते, वे भगवान के सुख के लिए अपनी योग्यता अपना सामर्थ्य अर्पण करते हैं, तो वह होता है सच्चा प्रेम और वही है भक्ति। और जब सच्चा भक्त होता है उसकी दृष्टि जहां जाती है उसे बस भगवान का ही दर्शन होता है। खुली आंखों से भी भगवान का दर्शन और बंद आंखों से भी भगवान का ही दर्शन। सोए हैं तो भगवान का दर्शन, जागे हैं तो भगवान का दर्शन। एक प्रसंग आता है, सूरदास जी महाराज परम भक्त थे भगवान के, भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त, और थे कैसे, सूरदास जी थे तो आंखों से दिखाई नहीं देता था, आंखों में देखने की शक्ति नहीं थी, लेकिन ये तो चमड़ी वाले नेत्र, इनसे उन्हें नहीं दिखता था, लेकिन उनके पास अंतर्दृष्टि थी। उनके पास वो दृष्टि थी जिस दृष्टि के पीछे सारे हजारों लाखों करोड़ों नेत्र भी बेकार। उनके पास वो दृष्टि थी कि वो बिना इन आंखों के भी हमेशा भगवान का दर्शन कर सकते थे और करते थे। ऐसा हुआ कि सूरदास जी महाराज वहां एक मंदिर में जाते थे, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में। अब वहां पर जाते तो भले ही उन्हें आंखों से नहीं दिखाई देता था, इन चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देता था, लेकिन अंतर्दृष्टि से वे भगवान के स्वरूप का दर्शन कर लेते थे। तो भगवान ने कैसी पोशाक पहन रखी है, कैसे आभूषण पहन रखे हैं, तो वैसा वो वर्णन करते अपने पदों में। वहां भगवान का जैसा दर्शन मिलता उन्हें उस दिन, वैसा अनुभव करके वैसा वर्णन करते अपने पद में भगवान के स्वरूप का, भगवान के श्रृंगार का। ऐसा हुआ जब वो हमेशा ऐसा वर्णन कर देते तो आखिर उनकी परीक्षा लेने की सोची। वहां पर जो पूजा करता था भगवान की, उसने परीक्षा लेने की सोची। तो उसने परीक्षा लेने के लिए सोची कि आखिर इसे जरूर कोई बताता होगा, इसे तो आंखों से दिखता नहीं है, जरूर कोई बता देता होगा कि ऐसा ऐसा श्रृंगार है, तो यह वैसा वैसा पद बना के बोलता होगा, तो उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो आज उसने क्या किया, आज ऐसा विचित्र कार्य किया पूजा करने वाले ने, वहां भगवान बालकृष्ण का श्रृंगार तो किया लेकिन आज उनको वस्त्र पहनाए ही नहीं, और बिना वस्त्र पहनाए ही पर्दा हटा दिया और आरती कर ली। इधर जैसे ही पर्दा हटा, इधर सूरदास जी महाराज, वे तो ऐसे परम भक्त थे भगवान के, उनके पास ये नेत्र नहीं थे तो क्या हुआ, उनके पास अंतर्दृष्टि थी, उन्होंने तो पद का गान शुरू किया भगवान के बारे में, आज हरि देखे नंगम नंगा, कि आज तो भगवान को ऐसा देखा है कि वो तो नंगम नंगा खड़े हैं। बड़ा सुंदर पद का उन्होंने गान किया, जलसुत भूषण अंग विराजत बसनहीन छवि उठत तरंगा। आज वस्त्रों के रहित उनकी छवि है भगवान की, बालकृष्ण की। अंग अंग प्रति अमित माधुरी, एक एक अंग में ऐसा माधुर्य है जिसकी कोई तुलना नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। निरखी लजित रति कोटि अनंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। तो भगवान का दर्शन, इसी में धन्यता है नेत्रों की, इसी में सुंदरता है नेत्रों की। उधर आप देखिए श्रीमद् भागवत का प्रसंग ही है, रुक्मिणी जी ने पत्र लिखकर के भेजा था भगवान श्री कृष्ण के पास में
एक ब्राह्मण देवता के द्वारा। तो वहां पर उस पत्र में 7 श्लोक थे। 7 श्लोकों में जो पहला श्लोक था उसमें क्या प्रार्थना की, क्या निवेदन किया, उसमें निवेदन किया वहां पर रुक्मिणी जी ने भगवान से कि भगवान, जब से मैंने आपके गुणों का श्रवण किया तब से मैंने आपका वर्णन कर लिया। और संबोधन क्या दिया वहां पर, संबोधन दिया भुवन सुंदर कि सब संसार में सबसे ज्यादा सुंदर कोई है, पूरे संसार में सबसे ज्यादा सुंदर कोई है तो भगवान केवल आप ही हैं, केवल आप ही हैं, बल्कि संसार में सुंदरता है ही नहीं, जो भी सुंदरता है भगवान वो केवल आप में है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतुंग तापम रूपम दिशाम दिशिमताम अखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशत चित्तम पत्रपम मे। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का उत्तरार्ध 52वें अध्याय का 37वां श्लोक यहां स्पष्ट बड़ा सुंदर वर्णन किया है रुक्मिणी जी ने, भगवान संसार में कोई सुंदर नहीं, आप ही सुंदर हैं। और भगवान आपके रूप का दर्शन करना, इसी में इन नृत्यों की सार्थकता है। आपका दर्शन कर ले ये नेत्र तो समझ लो कि उसको चारों पुरुषार्थ मिल गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, फिर कोई फल प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। जिसने दर्शन कर लिया भगवान आपका, तो आप मुझे दर्शन देकर की कृतार्थ करें भगवान, आप बता रहे। तो कितनी महत्वपूर्ण बात है, मधुर बात है, सुंदर बात है। और आप देखिए रामचरितमानस में आता है प्रसंग, राम जी के विवाह के अवसर का प्रसंग आता है। तो राम जी के विवाह के अवसर पर अब देवता भी आ गए भगवान का दर्शन करने के लिए कि भगवान का विवाह हो रहा है, सीता राम का विवाह हो रहा है। तो यहां राम जी का दर्शन किया जब देवताओं ने, तो बाकी सब देवता तो दर्शन कर रहे हैं दो दो आंख से, लेकिन वहां पर क्या हुआ कि ब्रह्मा जी ने कैसे दर्शन किया भगवान का, ब्रह्मा जी के पास वहां विशेषता थी। ब्रह्मा जी ने दर्शन कैसा किया कि ब्रह्मा जी के तो एक मुख नहीं है, ब्रह्मा जी के तो 4 मुख हैं। तो 4 मुख हैं तो हर मुख के दो दो आंखें हैं, तो 8 आंखों से दर्शन किया ब्रह्मा जी ने। लेकिन 8 आंखों से दर्शन करके भी ब्रह्मा जी तृप्त नहीं है, संतुष्ट नहीं है, उन्हें फिर भी कमी लगती है कि मैं तो कम दर्शन कर पाया भगवान का। निरखी राम छवि विधि हर्षाने, 8 ही नयन जानी पछिताने। कि मेरे पास तो केवल 8 नयन ही हैं, 8 ही आंखें हैं, ये सोच के दुखी हुए। पहले खुश हुए कि दर्शन मिल रहा है 8 आंखों से, फिर दुखी हुए केवल 8 ही आंखें क्यों हैं और ज्यादा क्यों नहीं है। उधर देवताओं के सेनापति कौन है, देवताओं के सेनापति हैं कार्तिकेय, कुमार कार्तिकेय शिव जी के पुत्र। अब कार्तिकेय स्वामी जो हैं उनके नेत्र कितने हैं, अब वो हैं 6 मुख वाले, तो 6 मुख हैं तो उनके पास 12 आंखें हैं। तो अब ब्रह्मा जी के पास तो केवल 8 आंखें, इधर कार्तिकेय स्वामी के पास में 12 आंखें, तो वो बड़े प्रसन्न है कि देखो मेरे पास तो 1.5 गुना लाभ हो रहा है, उनके पास 8 आंखों से देखने का अवसर है और मेरे पास तो 12 आंखों से देखने का अवसर है। सुर सेनप उर बहुत उछाहू
विदिते देवड़ लोचन लाहू, कि मुझे 1.5 लाभ मिल रहा है। लेकिन उधर और भी बड़ी विचित्र बात हुई। इंद्र, इंद्र ने अपराध किया था। इंद्र ने महर्षि गौतम के प्रति और अहिल्या के प्रति अपराध किया था। यहां उस अपराध का वर्णन करने का अवसर नहीं है, लेकिन जो अपराध किया था तो अब उस समय उन्हें शाप मिला था बाद में इंद्र को, कि उनके हजार, उनके इंद्र के शरीर पर 1000 भग हो गए, ऐसा शाप मिला। अब बाद में प्रसन्न किया इंद्र ने कि कुछ उपाय करो, तो इंद्र ने पश्चाताप किया। तो बाद में अब कैसे क्या हुआ उसका वर्णन करने का अवसर यह नहीं है, लेकिन बाद में वो जो 1000 भग थे उसके शरीर पर, वो सब नेत्रों में बदल गए। तो यानी इंद्र के पास 1000 नेत्र हो गए। अब यहां 1000 नेत्र हो गए इंद्र के पास, तो इंद्र को कितना ज्यादा लाभ मिल पा रहा है वहां पर राम जी के दर्शन करने का, कि वहां पर तो हालत यह है कि इंद्र अपने उन 1000 नेत्रों को, जहां पहले भार मानता था, समस्या मानता था, शाप मानता था, वहां अब उन अपने 1000 नेत्रों को अपना परम सौभाग्य मान रहा है, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा भगवान का दर्शन करने का लाभ मिल रहा है, 1000 नेत्रों से दर्शन करने का लाभ। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना, देव सकल सुरपति ही सिहाही, आज पुरंदर सम को नाही। सारे देवताओं ने कहा देखो आज तो इस इंद्र के समान सौभाग्यशाली कोई नहीं है, क्योंकि यह तो 1000 नेत्रों से राम जी का दर्शन कर पा रहा है। तो यहां पर सीधी सी बात कि क्या है सुंदरता, यही है सुंदरता। नित्यों की सुंदरता इसी में है, नित्यों की सफलता इसी में है कि वह भगवान का दर्शन करे। इधर राम जी के बारे में वर्णन किया गया था पिछले पासुर में, पिछले छंद में, तो उसमें भगवान कृष्ण का वर्णन नहीं हुआ था, उसमें केवल राम जी के गुणों का वर्णन हुआ था। तो इधर क्या हुआ, यहां कई गोपियां तो आपस में बोलने लगी, कई गोपियों का हल्ला मच गया कि यह क्या बात है, यह क्या बात है, यह तो भगवान श्री कृष्ण की राजधानी है वृंदावन, ये गोकुल, यहां पर भगवान कृष्ण को छोड़कर के राम जी का नाम क्यों लिया जा रहा है, या राम जी की महिमा क्यों गाई जा रही है, हम सब तो अनन्य भक्त हैं, तो फिर राम जी का नाम लेना तो फिर तो अनुचित है। और राम जी को कह रहे हैं कि मनोहर हैं राम जी, तो देखो ये तो हमारे प्रतिवत्त का नाश करने वाली बात हो गई। और राम जी इतने मनोहर थोड़े ही हैं जितने हमारे कन्हैया हैं। भगवान श्री कृष्ण का वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता, उनकी सुंदरता तो वाणी से परे है, उनकी सुंदरता का वर्णन कोई अपनी वाणी से कर ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य कैसा, भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए एक श्लोक प्राप्त हुआ गोपाल सहस्त्रनाम में व्याख्या के रूप में। तो वहां उस श्लोक में बड़ा सुंदर वर्णन है कि बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि जो यज्ञ करते रहने वाले, भजन करते रहने वाले, तपस्या करते रहने वाले, उन सबके साथ भी क्या हुआ, जब उन ऋषि मुनियों ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया तब क्या हुआ उस मुनि मंडली का, कि वो सारी चीजों को भूल गए, वो जप करना भूल गए, वो होम करना भूल गए, वो व्रत करना भूल गए, वो वेद के ज्ञान को भूल गए, वो तो बस भगवान के दर्शन में ही
तन्मय हो गए वे सारे ऋषि मुनि। मणि विडंबनी तस्य मनोहरे वपुषि मग्न मना मुनि मंडली, जप ममुंचत होम ममुंचत व्रत ममुंचत वेद ममुंचत। एक संत हुए जिनका नाम था भागवत रसिक। उन भागवत रसिक ने तो एक बड़ी सुंदर एक रचना की भगवान श्री कृष्ण के बारे में कि जिसने दर्शन कर लिया किसका, कि जिसने भगवान के मधुर मुस्कान का दर्शन कर लिया, जिसने कन्हैया की मुस्कान का दर्शन कर लिया, फिर उसे कुछ याद रहने वाला नहीं, फिर तो वह सब भूल गया। लखी जिन लाल की मुस्कान, जिसने दर्शन कर लिया भगवान की मुस्कान का, तो क्या हुआ कि फिर तो वह बड़ा भारी भले तपस्वी हो ज्ञानी हो, वह सारी बातों को भूल जाएगा, भगवान के दर्शन में ही लग जाएगा। लखी जिन लाल की मुस्कान, तिनही बिसरी वेद विधि जप योग संयम ध्यान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत दृगदयी असी ऐंची के मुख म्यान। कि दर्शन मिल गया जिसे भगवान का, जिसने वास्तव में भगवान की मुस्कान का मधुर मुस्कान का दर्शन कर लिया, फिर उसे और कुछ याद रहने वाला नहीं, और कुछ याद रह गया तो समझ लो उसने दर्शन अभी किया नहीं। भगवान श्री कृष्ण के बारे में ऐसा प्रसंग प्राप्त होता है कि जब भगवान श्री कृष्ण पहुंच रहे थे वहां पर पांडवों का दूत बनकर के वहां हस्तिनापुर, तो दुर्योधन ने सारे सभासदों को कह रखा था कि देखो कोई भी स्वागत मत करना, कोई उठ के खड़े मत होना, उस कन्हैया के आने पर कोई उठ के खड़े मत होना, कोई स्वागत मत करना। लेकिन हुआ क्या, भगवान श्री कृष्ण जब वहां पहुंचे तो उनके स्वरूप का दर्शन करके सब ऐसे सम्मोहित हो गए कि अपने आप उनकी स्वागत में उठ के खड़े हो गए, उन्हीं को देखने लगे। अब इधर कई गोपियां कहने लगी कि देखो राम जी की तुलना में तो हमारे कन्हैया जो हैं उनका रूप तो ज्यादा मनोहर है। अब ये जो बात सुनी तो एक गोपी ने कह दिया, जो राम जी का पक्षपात करने वाली कोई गोपी थी, उसने कह दिया देखो हमारे राम जी का भी कोई सौंदर्य कम थोड़े ही है। अयोध्या कांड में वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, अयोध्या कांड के 30वें सर्ग के 28वें और 29वें श्लोक में, जब उधर आए हैं महर्षि विश्वामित्र राम जी को लक्ष्मण जी को ले जाने के लिए, उस समय का वर्णन है राम जी के बारे में। दीर्घ बाहुम महासत्वम मत्त मातंग गामिनम चंद्रकांताननम रामम अतीव प्रिय दर्शनम रूपौदार्य गुणहि पुंसाम दृष्टि चित्तापहारिणम घर्माभितप्तः पर्जन्यम लादयन्तमिव प्रजाः। कि कैसे हैं राम जी कि दर्शन करने मात्र से दृष्टि को चुरा लेते हैं, जो उनको देखता है अपने नेत्रों से बस दृष्टि पड़ी नहीं कि उसके दृष्टि को चुरा लेते हैं, मन को चुरा लेते हैं, ऐसे हैं राम जी। और कैसा सुंदर भजन है जो गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। यहां कंज शब्द है जो लोगों के लिए एक समस्या बन जाता है कि कंज क्या, कंज यानी कमल, कंज कहा गया कमल को। तो भगवान के नेत्र कैसे कि वो भी कमल के समान, नए खिले हुए कमल के समान भगवान के नेत्र, और मुख कैसा वह भी खिले हुए कमल के समान, और उनके कर कैसे हाथ कैसे कि वो भी
पुष्प के कमल पुष्प के समान, और उनके चरणारविंद कैसे हैं? अब चरणारविंद तो बात हो गई ना, अरविंद यानी कमल, उनके चरण भी कमल के समान हैं। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। करोड़ों कामदेव, करोड़ों भी नहीं बल्कि यहां तो संख्या कही गई अगणित, यानी जिसकी गिनती नहीं हो सकती। अब जिसकी गिनती नहीं हो सकती उसकी गिनती नहीं हो सकती, यानी अगणित अनंत। पता नहीं कितने भी कामदेव आ जाओं, करोड़ों आओ अरबों आओ कितने भी आओ, तो भी वो भगवान की छवि की तुलना नहीं कर सकते। तो राम जी का स्वरूप भी बड़ा अद्भुत है, बड़ा सुंदर है, और राम जी भी बड़े कृपालु हैं। राम जी ने भी बड़ी कृपा की है, भगवान श्री कृष्ण ने तो लीला की है, कृपा की है, वहां गोकुल में वृंदावन में सब पर राम जी ने भी कृपा की है, केवल अयोध्या वासियों पर कृपा नहीं की। अब जो राम जी का वन गमन हुआ, वनवास हुआ, तो दूर दूर तक भक्तों के पास जाकर के उन पर कृपा की। जो गुह थे, जो शबरी माता थी, अब इनकी क्या जाति, पर कृपा की राम जी ने। राम जी ने भी कोई जाति नहीं देखी, उन्होंने भक्ति देखी। वह भगवान का तो वचन भी है रामचरितमानस में ही कि मानो एक भक्ति करण आता, कि मैं तो एक ही संबंध को जानता हूं। भगवान का वचन है कि मैं तो एक ही संबंध को मानता हूं, एक ही संबंध को जानता हूं। कौन सा संबंध? कि भक्ति। जो भक्ति रखे, जो भक्ति करे भगवान में, बस वह भगवान का, मानो एक भक्ति करण आता। अब देखिए, एक तरफ देखिए सुग्रीव है तो वानर है, हनुमान जी हैं, उधर विभीषण है वह तो राक्षस है, पर उन पर भी कृपा की राम जी ने। तो इधर क्या हुआ, जब राम जी की महिमा की बात आई तो भगवान कृष्ण की पक्षपाती जो गोपियां थी वो फिर कहने लगी कि देखो इस तुलना से क्या मतलब, चाहे श्री राम हो चाहे श्री कृष्ण हो, इनमें कौन ज्यादा सुंदर है, कौन ज्यादा गुणवान है, यह चर्चा करना भी उचित नहीं। कि क्यों अनुचित, कि हमारे तो पतिदेव हैं भगवान श्री कृष्ण, और फिर पति में गुण हो या न हो, दोष हो कुछ हो, लेकिन हमारे तो पति वे हैं, हमें दूसरों के गुण नहीं देखने चाहिए, हमें तो अपने पति के गुणों को ही देखना चाहिए। कोई दूसरा कितना भी सुंदर हो अपने पति से, उसकी सुंदरता की तरफ दृष्टि क्यों जाए, हम तो कृष्ण के ही यश का गान करेंगे। अब जब यह चर्चा समाप्त नहीं हो पा रही थी, कहीं निर्णय नहीं हो पा रहा था, तो कुछ समझदार गोपियों ने कह दिया, अरे भाई यह भेदभाव की बात क्यों करती हो, जो राम जी हैं वही कृष्ण हैं, जो कृष्ण हैं वही तो राम जी हैं, ये दोनों दो थोड़े ही हैं, ये दोनों एक ही हैं, ये एक के ही दो रूप हैं, इन दोनों में अंतर क्या है, ये दोनों तो एक ही हैं। उन गोपियों ने दूसरी गोपियों को समझाते हुए कहा, अरे तुमने कभी सुना नहीं क्या कि यशोदा मैया जब पुकारती है कन्हैया को तो क्या क्या कहती हैं, कभी कहती हैं अरे वामन मूर्ते, अरे वामन आ जाओ, अरे काकुस्थ इधर आ जाओ, अरे गोपाल कृष्ण इधर आ जाओ। ऐसा प्रसंग भी आता है कि जहां पर यशोदा मैया ने देखा, क्या देखा, बालकृष्ण को देखा रेत में कीचड़ में गोबर में सना हुआ, तो कह दिया अरे कन्हैया तू तो इतना गंदा हो रहा है, ऐसा लगता है कि तू तो पिछले जन्म में जरूर सुअर रहा होगा। अब बालकृष्ण कह दिया हाँ मैया तुम सही कह रही हो, बात तो सही है, भगवान का तो वारह अवतार भी हुआ था। और एक और प्रसंग प्राप्त होता है, भगवान की तो अनंत लीलाएं हैं, उन लीलाओं की गणना कोई कर नहीं सकता, न गिनती कर सकता न वर्णन कर सकता,
यहां जो भी वर्णन किया जाता है यह उस कार्य को पूरा करने के लिए नहीं होता। यहां तो अपने मन को, अपनी वाणी को, अपनी बुद्धि को सार्थक करने के लिए किया जाता है। भगवान के भक्त हुए लीलाशुक, उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की, श्री कृष्ण कर्णामृत। उसके द्वितीय आश्वास में एक श्लोक है कि वहां पर ऐसा प्रसंग हुआ कि अब जैसे कोई माता अपने छोटे बच्चे को सोने से पहले सुलाने के लिए कोई कहानी सुनाती है, तो बाल कृष्ण भी मैया से कहते हैं, यशोदा मैया से, कि सुनाओ। तो मैया सुनाती है, कभी कोई कहानी कभी कोई कहानी। तो इधर एक दिन मैया सुनाने लगी अपने कन्हैया को कहानी। किसकी कहानी? राम जी की कहानी। तो यहाँ पर उस कहानी का वर्णन किया और उसका प्रतिक्रिया करते हैं यहाँ पर बालकृष्ण, उस कहानी को सुनकर के उसका वर्णन किया भक्त लीलाशुक ने। रामो नाम बभूव हुम तदबला सीतेति हुम तौ पितुर वाचा पंचवटी वने विहरत हम तामाहरत रावण हम निद्राथम जननी मुखादिति कथाम कृष्णस्य संशृण्वत हम सौमित्रे क्वधनुर्धनुर्धनुरिति व्यग्रा गिरह पांतुन है। अब जैसे प्राचीन परंपरा थी कि एक जना यदि कुछ बोलता है तो दूसरे को हुंकारा देना है, तो इधर मैया यशोदा ने कहा कि राम नाम के एक राजा हुए, तो भगवान कृष्ण ने हुंकार दिया हूं। यशोदा मैया ने फिर कहा कि उनकी पत्नी थी जिसका नाम था सीता, इधर बालकृष्ण ने फिर कह दिया हूं। फिर यशोदा मैया ने कहा कि ऐसा हुआ कि वे दोनों राम जी और सीता जी दोनों इधर बड़ों की आदेश से पंचवटी के वन में चले गए, लेकिन वहां पर रावण ने सीता का हरण कर लिया। या तो बालकृष्ण चुपचाप सुन रहे थे, हुंकारा दे रहे थे, लेकिन जैसे ही ये बात सुनी कि रावण ने सीता का हरण किया, अब तो तत्काल वो भूल गए कि मैं इस समय बालकृष्ण हूं। उन्हें तो ये ध्यान आया कि सीता का हरण कर रहा है रावण। तत्काल पुकारा, अरे लक्ष्मण कहां हो, जल्दी से मेरा धनुष लेके आओ। सौमित्रे क्व धनु धनु धनुरीति, अरे जल्दी लाओ धनुष, जल्दी लेके आओ धनुष। तो भगवान की बात ऐसी है, वही राम जी और वही भगवान कृष्ण, इनमें अंतर करना, ये भेदभाव करना, ये भेद बुद्धि की बात है। भगवान एक ही भगवान की ये अलग अलग रूप हैं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ज्यादा नहीं, कोई कम नहीं, दोनों ही एक से बढ़कर एक हैं, क्योंकि वो एक ही तो हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी 10वें अध्याय के 31वें श्लोक में यहां पर स्पष्ट कहा है भगवान श्री कृष्ण ने कि शस्त्रधारियों में मैं कौन हूं, कि मैं राम हूं। पवन है पवतामस्मि, राम है शस्त्रभृतामहम। और उधर श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन से कि देखो अर्जुन, मेरे भी कई जन्म हो चुके और तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके, लेकिन तुम्हें पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है मेरे और तुम्हारे जन्मों के बारे में। यहां जन्म को सामान्य जन्म मत समझ लेना, जैसा कि कोई सामान्य कोई बालक का जन्म होता है। या जन्म अवतार जो है ये भगवान की बात है, भगवान के अवतार से तात्पर्य है यहां पर। और भगवान के तो अनेक अवतार हो चुके हैं और वो
तो स्वयं एक हैं, तो उन्हें तो अपने अवतारों का सब ध्यान है ही है। बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणी न त्वं वेत्थ परंतप। वास्तव में तो राम जी में और भगवान कृष्ण में क्या अंतर, भक्तों ने आखिर एक अंतर निकाला कि क्या अंतर, कि राम जी और भगवान श्री कृष्ण एक ही हैं, लेकिन राम जी जरा शांत भाव वाले हैं और जो कृष्ण हैं कन्हैया हैं उनके नेत्र बड़े चपल हैं, उनके नेत्र बड़े चंचल हैं। राम जी तो सीधे सीधे देखते हैं, न दाएं देखते न बाएं देखते, और भगवान कृष्ण तो ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ते जहां पर उनकी दृष्टि न चली जाए। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। इसलिए एक ही बात है, गोपियों ने निर्णय कर लिया कि इसलिए एक ही बात है, चाहे राम जी का यश का गान करें, चाहे भगवान श्री कृष्ण के यश का गान करें, ये दोनों एक ही बात है, हम तो दोनों की ही लीलाओं का, दोनों के ही चरित्रों का गान करेंगी। और वहां वर्णन क्या किया गया था, भगवान श्री कृष्ण की और राम जी की लीलाओं का यहां पर इस पासुर में, इस छंद में क्या वर्णन किया गया। यहां वर्णन किया गया था कि राम जी ने तो बस चिकोटी काट करके बस मानो नाखून के अगले हिस्से के द्वारा ही उस रावण को मार दिया था, जैसे कोई मच्छर को मार दे ऐसे ही बस चुटकी काट करके उस रावण को मार दिया था। उधर भगवान कृष्ण ने बकासुर का वध कर दिया था, तो भाई रावण को ऐसे मार दिया केवल चिकोटी काट करके, ये कैसे संभव है। तो देखिए यहां भगवान श्री कृष्ण के बारे में भी वर्णन आते हैं, जिस कंस के बारे में वर्णन आता है कि कंस बड़ा बलवान, कंस बड़ा बलवान, कंस बड़ा बलवान था, तो बलवान तो था, अभी प्रसंग नहीं है इसलिए नहीं वर्णन करेंगे। कंस बड़ा बलवान था, उसने अपने बल से प्रभावित किया था जरासंध को, तभी तो जरासंध ने अपनी पुत्रियों का विवाह किया था उसके साथ में। लेकिन उस कंस के बारे में क्या वर्णन है, श्री कुरु स्वामी जी, श्री कुरु तालवान जी वो सुंदर बाहुस्तव में वर्णन करते हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में कि उन्होंने कंस को कैसे मारा, कि जैसे कोई कीड़ा हो, कोई कीड़े मकोड़े को कोई ऐसे ही मार देता है, वैसे कंस को उन्होंने मार दिया। इंगितम निमिषितम चेतावकम रम्य मद्भुत मति प्रियंकरम तेन कंस मुख कीट शासनम सुंदरालपक मपि प्रशस्यते। कंस को क्या कहा, कंस मुख कीट शासनम, कि कंस जैसे को, कंस जैसे कीट को शासित किया, दंडित किया। अब कहने को तो कह सकते हैं कि राम जी का युद्ध तो बड़ा भारी था, युद्ध कांड में वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के 107वें सर्ग के 51वें 52वें श्लोक में वर्णन आता है कि कैसा था युद्ध राम जी का और रावण का, कि ऐसा युद्ध था जिसकी तुलना नहीं थी, इसकी तुलना केवल उसी से हो सकती है। गगनम गगनाकारम सागर है सागरोपम है राम रावण योरयुद्धम राम रावण योरिव, जैसे आकाश की तुलना केवल आकाश से ही हो सकती है, जैसे सागर की तुलना सागर से ही हो सकती है,
वैसे ही राम जी का और रावण का जो युद्ध था उसकी तुलना किसी और से नहीं हो सकती। उनका युद्ध बड़ा अद्भुत था। देखो कितने कितने प्रयास करने पड़े, प्रयत्न करने पड़े राम जी को उस युद्ध में। पहले तो समुद्र पर पुल बांधना पड़ा, बल्कि पहले तो हनुमान जी को भेज करके सारी जानकारी लेनी पड़ी। कितनी लड़ाई करनी पड़ी राक्षसों से, बल्कि खुद राम जी लक्ष्मण जी भी उस मेघनाद के पास से, नाग पास से बंध गए थे। बाद में भी कितने परेशान हुए राम जी, और अगस्त मुनि से उन्होंने आदित्य हृदय सूत्र का उपदेश लिया। कितने प्रयास करने पड़े थे। और फिर यहां पर कहा गया है कि रावण को तो उन्होंने बस नाखून के अगले हिस्से से ही मार दिया, उतनी चोट से ही मार दिया। तो ये कोई क्या व्यंग है, ये क्या मजाक है, ये कैसे हो सकता है, ऐसा वर्णन क्या मतलब। संक्षेप में कहा जाए तो वास्तव में ये सारे जो प्रयास हुए ये सब अनिवार्य नहीं थे। ये तो राम जी ने लीला की तो इसलिए इतना विस्तार किया, नहीं तो राम जी चाहते तो कैसे भी कर सकते थे वध उस रावण का। वे तो एक बाण से ही उसका वध कर सकते थे। राम जी ने तो उस रावण से भी बलशाली जो बाली था उसको एक बाण से मार दिया था। जिस रावण की यहां चर्चा हो रही है वह रावण बाली के हाथों पराजित हुआ था। रावण को तो अपनी कांख में दबा लिया था बाली ने, लेकिन उस बाली को, रावण को पराजित करने वाले बाली को राम जी ने एक बाण से मार दिया। तो फिर रावण को मारना उनके लिए कौन सी कठिनता की बात थी। बस बात ऐसी थी, राम जी चाहते थे कि शायद ये रावण सुधर जाए, शायद ये रावण मेरी शरण में आ जाए, शायद ये रावण मान जाए, शायद रावण को सद्बुद्धि आ जाए। अवसर दे रहे थे राम जी तो उस रावण को। विभीषण आया था राम जी की शरण में, विभीषण आया था तो राम जी को लगा शायद विभीषण के बाद में रावण भी आ जाए शरण में। वहां जो प्रसंग है सुग्रीव को जहां वो आदेश दे रहे हैं राम जी कि लेके आ जाइए, आप लेके आ जाओ उस विभीषण को, तो वहां क्या कह रहे हैं राम जी। राम जी तो यहां तक कह रहे हैं कि विभीषण के बारे में क्या सोच रहे हो कि लाएं कि नहीं लाएं। अरे चाहे विभीषण आए उसका भी स्वागत है, रावण आए तो उसको भी ले आओ उसका भी स्वागत है। आना यैनम हरि श्रेष्ठ है दत्तमस्या भयम मया, विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावण है स्वयं। स्पष्ट कहा है यहां पर राम जी ने, विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावण है स्वयं, रावण भी आ गया तो उसको भी ले आओ भले ही। राम जी तो सोच रहे हैं कि शायद वो रावण भी आ जाए शरण में, नहीं तो राम जी के सामर्थ्य की क्या तुलना। वहां युद्ध कांड में ही वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के 18वें सर्ग के 23वें श्लोक में राम जी कहते हैं स्पष्ट, पिशाचान दानवान यक्षान पृथिव्याम चैव राक्षसान अंगुल्यग्रेण तानहन्याम इच्छन हरि गणेश्वर। राम जी ने कहा है कि यदि चाहूं तो सारी पृथ्वी पर जितने भी पिशाच हैं, दानव हैं, यक्ष हैं, राक्षस हैं, उन सबको राम जी अपनी अंगुली के अगले भाग से, केवल अंगुली के इतने से हिस्से से वो सबको मार सकते हैं, सबका विनाश कर सकते हैं, राम जी ने कहा है वहां पर। और ये केवल कहने की बात नहीं थी, लोग कुछ भी कह देते हैं, कर नहीं सकते लेकिन हांक सकते हैं, बड़ी बड़ी बात।
यहां पर राम जी ने केवल बातें की हों ऐसी बात नहीं है। आप देखिए उसके पहले का प्रसंग, जब राम जी समुद्र की शरण में गए थे पहले तो, कि शायद समुद्र मान जाए और रास्ता दे दे, लेकिन जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया था तब राम जी ने क्या किया था, राम जी ने तब धनुष उठाया, 3 दिन तक प्रतीक्षा की, 3 दिन बीत गए, तब अब दंड देने का विचार किया, धनुष उठाया, बाण का संधान किया समुद्र को दंड देने के लिए। अब तो समुद्र हाथ जोड़ के सामने आ गया कि आप मुझे दंडित मत कीजिए, कृपा कीजिए, आप जैसा कहेंगे वैसा मैं सेवा में तैयार। अब तो राम जी तो दंड देना तो चाहते ही नहीं थे, राम जी तो किसी को भी दंड नहीं देना चाहते। उधर समुद्र ने विनती की उल्टी राम जी से कि अब आप ऐसा कीजिए, कि क्या कीजिए। राम जी ने उधर कहा था, देखो भाई मैंने बाण चढ़ा लिया, अब मेरी तो ऐसी प्रतिज्ञा कुछ समझ लो भले कि अब चढ़ा हुआ बाण है ये तो वापस तरकश में जाएगा नहीं, ये बाण तो कहीं ना कहीं जाएगा, तो इस बाण को कहां चलाऊं, तुम कहते हो कि मुझ पर मत चलाओ तो किस पर चलाऊं। तब समुद्र ने कहा राम जी से कि यहां से बहुत दूर एक द्वीप है, द्रुमकुल्य नाम का द्वीप, उस द्वीप पर बड़े दुष्ट लोग रहते हैं, बड़े पापी लोग रहते हैं, तो उन द्रुमकुल्य में रहने वाले उन पापियों को नष्ट कर दीजिए आप। तो राम जी ने वह जो बाण का संधान कर रखा था धनुष के ऊपर, वह बाण समुद्र पर न चला करके उस द्वीप पर चला दिया, द्रुमकुल्य द्वीप पर, और उन सारे पापियों को मार दिया। यहां पर युद्ध कांड में ही 22वें सर्ग के 32वें, 33वें और 34वें इन 3 श्लोकों में वह प्रसंग का वर्णन आता है। उत्तरेणावकाशोस्ति कश्चित् पुण्यतरो मम द्रुमकुल्य इति ख्यातो लोके ख्यातो यथा भवान् उग्र दर्शन कर्माणो बहवस्तत्तदस्य वह आभिरय प्रमुखा पापा पिबन्ति सलिलं मम। अब देखिए, अब जब एक बाण चला करके इतने सारे पूरे द्वीप के पूरे लोगों का वध कर दिया राम जी ने, तो क्या वो एक बाण चला करके पूरी लंका को भस्म नहीं कर सकते थे, वो पूरी लंका को नष्ट कर सकते थे, रावण को नष्ट कर सकते थे। जो द्वीप दिखाई नहीं दे रहा है उस द्वीप को भी उन्होंने बाण चला करके नष्ट कर दिया, तो यहां तो रावण की लंका बहुत ज्यादा दूर भी नहीं थी तुलना में देखें तो। वैसे भी प्रसंग आता है राम जी के और रावण के युद्ध के बारे में, प्रहस्त का वध होने के बाद, जब प्रहस्त का वध हो गया उसके बाद रावण स्वयं आया था युद्ध करने के लिए राम जी से, तब राम जी ने उस रावण के रथ को तोड़ दिया अपने बाणों की वर्षा से, घोड़ों को मार दिया, सारथी को मार दिया, उस रावण के कवच को नष्ट कर दिया, उसके हथियार नष्ट कर दिए, उसके मुकुट को भी तोड़ दिया। तो राम जी चाहते तो रावण को भी मार सकते थे, लेकिन मारा नहीं उन्होंने, बल्कि कह दिया रावण से कि जाओ लौट जाओ, तुम थक गए अभी लौट जाओ, कल वापस तैयार होके आना। चाहते राम जी तो सब कर सकते थे। उधर भी देखिए आप, राम जी की बात करो और चाहे राम जी के जो भाई हैं लक्ष्मण जी उनकी बात करो, चाहे हनुमान जी की बात करो, ये सब भी तो समर्थ हैं। राम जी को लीला करनी है इसलिए उन्होंने उतनी लंबी लीला चलाई और तब रावण का वध किया, नहीं तो सुंदरकांड का प्रसंग आता है रामचरितमानस में, पाठ करते हैं लोग सुंदरकांड का, वहां पर स्पष्ट वर्णन है, स्वयं राम जी कहते हैं कि ये चाहे तो लक्ष्मण ही एक निमिष में, निमिष मतलब एक पलक झपकने में जितना समय बीतता है उतने समय के अंदर
सारे राक्षसों को मारने में समर्थ है यह लक्ष्मण। जग महु सखा निसाचर जेते लक्ष्मी मनु हनाई निमिष महु तेते। लक्ष्मण जी मार सकते हैं। और वही बात है सुंदरकांड से पहले जो किष्कंधा कांड है, किष्कंधा कांड के अंतिम दोहों में, अंतिम चौपाइयों में प्रसंग आता है। इधर या तो हनुमान जी चुपचाप थे, कुछ नहीं बोल रहे थे कि मैं यह करूं कि मैं वो करूं, लेकिन जामवान ने जब कहा कि राम काज लगी तब अवतारा, जैसे कहा अरे हनुमान चुप क्या बैठे हो, तुम्हारा तो जन्म ही राम जी का काम करने के लिए हुआ है। तो सुनते ही तो हनुमान जी कैसे हो गए, सुनते ही भयं पर्वताकारा, वो तो पर्वत के समान विशाल हो गए। और क्या कहा, अब तो हनुमान जी ने गर्जना की, सिंहनाद किया और क्या कहा कि मैं तो खुद ऐसी लीला कर सकता हूं कि अभी लीला के अंदर ही एक छलांग लगा करके मैं इस समुद्र को लांग जाऊंगा, सारे राक्षसों के साथ में रावण को मार डालूंगा। और कहो तुम्हें लंकापुरी जिस पर्वत के शिखर के ऊपर है, त्रिकूट पर्वत पर, उस त्रिकूट पर्वत को ही उखाड़ लेके आ जाऊं। सिंहनाद करी बारही बारा लीलही नागहुं जलनिधि खारा, सहित सहाय रावण ही मारी आनहुं इहां त्रिकूट उपारी। तो हनुमान जी का भी सामर्थ्य है, वो भी चाहे तो मार के आ सकते थे रावण को, लेकिन जैसी लीला करनी है राम जी को वैसी लीला कर रहे हैं, और उसी हिसाब से वो न तो लक्ष्मण जी के हाथों मरवाया न हनुमान जी के हाथों मरवाया, रावण का वध उन्होंने किया और उसको रावण को अवसर देके किया, शायद रावण अब भी समझ जाए। इधर गोदाम्बा जी ने पुकारा उस गोपी को पुनः कि देखो क्या बात है, हम सब तो भगवान की लीलाओं का गान कर रही हैं बारंबार और तुम अभी भी सोई हुई हो, तुम बाहर क्यों नहीं आ रही हो। अब तो उस गोपी ने कहा देखो मैं नींद नहीं ले रही, मैं तो जागी हुई हूं पहले से ही और भगवान की ही लीलाओं का, भगवान के ही गुणों का अनुभव कर रही हूं, अनुसंधान कर रही हूं अपने मन में, अपने हृदय में, अपनी बुद्धि में उन्हीं का चिंतन कर रही हूं, बस भगवान की लीलाओं का यह कार्य करके, चिंतन करके थोड़े देर बाद में फिर मैं आ जाऊंगी बाहर। अब तो गोदाम्बा जी ने फिर कहा कि देखो हम सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं और तुम तो अकेले ही भगवान का अनुभव कर रही हो, ये बात ठीक नहीं, तुम भी बाहर निकल के आओ, हम सब मिलकर के भगवान का अनुभव करेंगी, भगवान की लीलाओं का अनुभव करेंगी। अब तो वह गोपी भी आ गई उन गोपियों के साथ में, गोदाम्बा जी के साथ में। भगवान की तो ऐसी अद्भुत लीलाएं हैं और गोदाम्बा जी सबको जगाती हैं, सबको मिलाती हैं। गोदाम्बा जी की यही भावना है कि जो जिनकी कम योग्यता है उनको ज्यादा योग्यता वालों से और ज्यादा भक्ति और ज्ञान मिल जाए, और जो भक्ति ज्ञान में परिपूर्ण हैं वो अकेले अकेले भक्ति और ज्ञान का अनुभव न करें बल्कि दूसरों को भी उस भक्ति को दे करके, ज्ञान को दे करके उनको और भगवान की कृपा के योग्य बनाएं। तो यहां पर श्री गोदा रंगनाथ भगवान के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि वे हम सबको अपनी कृपा दृष्टि के योग्य बनाएं, हम सब भी निरंतर भगवान की लीलाओं का चिंतन कर सकें, हम सब भी निरंतर भगवान की कृपा दृष्टि के पात्र बन सकें, यही निवेदन है श्री गोदा रंगनाथ भगवान के श्री चरणों में। जय श्री मन्नारायण।